हेलो दोस्तों, विशाल भारद्वाज के पुत्र अंशुमान भारद्वाज ने कुत्ते फिल्म से अपनी कोशिश की है लेखन और निर्देशन का। दोस्तों कहानी तो बहुत बिखरा बिखरा है, चार अलग अलग कहानी चलती है और सभी लालची लोग, पैसे के पीछे भागने वाले, चोरी डकैती, एटीएम लूटना, साथ ही साथ इसके बीच में कड़क पुलिस अफसर तब्बू जो अपना अच्छा प्रभाव छोड़ती नजर आती है, साथ ही साथ अर्जुन कपूर। दोस्तों इस फिल्म में बंदूक, मार काट, हिंसा, रणनीति, चोरी की योजनाएं, हत्या की योजनाएं, यही सब इस फिल्म में भरा हुआ है। और फिल्म फर्स्ट हाफ तक काफ़ी बिखरा हुआ, सेकेंड हाफ में फिल्म को साथ लाने का प्रयास किया गया है जिसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, क्योंकि स्टोरी बहुत बिखरा हुआ है और एक अलग तरह की क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाने की कोशिश की गई है जिसमें अंशुमान भारद्वाज बैलेंस बनाने की तो अच्छा प्रयास किया है लेकिन इसमें शायद विफल रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म में एक्टिंग में अर्जुन कपूर थोड़ा जचा है, साथ ही साथ नसीरुद्दीन शाह का रोल कोई ज़्यादा नहीं है और आशीष विद्यार्थी भी एक दो दृश्य में ही आ पाते हैं और मुख्य रूप से तब्बू की भूमिका इसमें प्रभावशाली है। तो दोस्तों 5 में से इसको 3 स्टार मैं दे सकता हूँ। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि फिल्म का आज पहला दिन कैसा प्रदर्शन रहा, कितनी कमाई करेगी तथा इसका बजट कितना था। तो दोस्तों कुत्ते फिल्म का बजट है 35 करोड़ और ये फिल्म फर्स्ट डे 1.47 करोड़ की कमाई इंडिया नेट से कर रही है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए 45 करोड़ चाहिए, तो सोचिए आज फ्राइडे को अगर 2 करोड़ भी नहीं मिला इसको तो 45 करोड़ अगर फर्स्ट वीकेंड से नहीं कमाया तो आगे भी ये नहीं कमा पाएगा। तो दोस्तों अगर फिल्म का प्रदर्शन पहला दिन ही ऐसा निराशाजनक है तो आगे ये फिल्म को हिट होने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों मैं बता दूं कि कुत्ते फिल्म अगर अपना प्रदर्शन आने वाले दिनों में अगर अच्छा कर पाती है, संडे को और शनिवार को हाफ डे छुट्टी रहता है, संडे को फुल डे छुट्टी रहता है, तो इन दिनों में अगर इसको अच्छा दर्शक मिल पाते हैं, ऑक्युपेंसी अच्छी रहती है तो ये फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन इसकी आशा कम है क्योंकि इसका पहला दिन ही एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा। मेरे हिसाब से कहानी का उलझापन इस फिल्म को ले डूबी है। आपने भी फिल्म देखा हो तो आपको इस फिल्म के बारे में क्या विचार है आप कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।